आप लोगों ने सारे लोगों ने कितना कितना पैसा दिया है? 50,000। पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों ने पैसा दिया तो क्या उसे रसीद या उसका आईडी प्रूफ जानने की कोशिश नहीं किया? जी सब पैसा कुछ ऑनलाइन हुआ है और कुछ कैश हुआ है। तो खाता कौन सा दिखा रहा था, कहाँ खाता? खाता दिखा रहा है पीएनबी का। आईडी और फोटो जो है, जो इन्होंने जैसा कि आपने बताया उसके आधार पे स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, इन लोगों का जो है आप मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा है, आपके साथ न्याय करेगा, आपको भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद दुआ मिलेगा। तो उनके घर पे जाएं और इस आदमी का पूरा डिटेल बता के, इन लोगों का फोन नंबर भी इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि आप लोग जो है इस नंबर पे फोन करके इस व्यक्ति की सारी जानकारी बता सके। यह जो है फोन नंबर है और जो है यह सारे व्यक्तियों का फोन नंबर है जो भी लोग हैं। पहले से हम लोग थे दुबई में, 2017 से हम लोग दुबई के रिटर्न है। एक बात समझ में नहीं आता, नया आदमी धोखा खा जाए समझ में आता, आप लोग तो रिटर्न है कैसे? इसके सही है ना, वीजा भी करेक्ट है, टिकट भी करेक्ट है, तो आदमी कैसे समझेगा कि गलत हो रहा है? टिकट स्टोरकीपर में लगाया टिकट हम ऑनलाइन। आप एज ए स्टोरकीपर में जा रहे थे, कितना आपका सैलरी था? हमारा 2500 सैलरी लगाया था, 2500 इंडिया का 50,000। हाँ, और ये वीजा भी ओरिजिनल है। इनसे बात कर रहे हैं, बताना चाहेंगे कंपनी है दुबई में जिसके ओनर है, तो आप इनसे ज्यादा जानेंगे? नहीं सर, जानेंगे नहीं, लेकिन एक बार बताइए ताकि मैं सबको बताता हूँ। ये चीज पूरी तरह से जानिए, पूरी तरह से ध्यान से सुनिए आप लोग। ये सीक्वेंस जो 87 का होता है, 87 सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस है 87 नंबर, ये एक महीने का विजिट वीजा होता है। वो एक महीने का विजिट वीजा आता है, लगभग 6,500 का विजिट वीजा आता है। तो ये वीजा लगा आपको दे दिया, विजिट को हटा के एम्प्लॉयमेंट कर दिया और यहाँ पे नाम हटा के उसने ये डाल दिया। आप किसी भी कंपनी में चेक कर, कहीं भी ऑनलाइन चेक करेंगे आपको वीजा एक्टिव दिखेगा। हाँ। क्योंकि वीजा तो विजिट का भी 2 महीने के लिए एक्टिव होता है उसमें, और एम्प्लॉयमेंट का भी 2 महीने के लिए शुरुआत में आता है, एक्टिव होता है। तो ये सिर्फ एक जानकार आदमी जानेंगे जो इस काम में जो कर रहे हैं, आप लोग पूरी तरह से नहीं जान पाते, इसीलिए ये लोग फंस जाते हैं। तभी भी लगता है क्या इनकी जानकारी के बाद भी कि आपका जो भी पेपर है सही है? नहीं सर, अभी इतना जानकारी हमको नहीं है, जितना हमारी जानकारी थी हमने पता किया था। हमारे साथ सर 17 आदमी है टोटल, 17 आदमी है। हाँ। और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाले थे, हमारे लिए मुसीबत अब बन गया। तो क्या आपको भी कुछ लालच था, क्या दिए थे क्या? लालच हमको दे रहा था, बोला कि 5,000 आप ले लेना, 50,000 सबसे वसूल लो और 5,000 ले लेना। तो उस लालच में आप पड़ गए? हम पड़ गए थे। नन्ना जी कैसे उसको जानते थे आप? सर हम आए थे गोरखपुर, तो गोरखपुर में वो ऑटो से प्रचार कर रहे थे, टेम्पू से प्रचार हो रहा था, प्रचार हो रहा था विदेश भेजने का, भेजने का। तो हमने उस नंबर को एक पर्चा उठाया और उस पर कॉन्टेक्ट किया और बताया इस डेट को वो रॉयल एनफील्ड वाला जो बुलेट एजेंसी है वहाँ पे वैकेंसी है। तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ क्लाइंट आए तो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इंटरव्यू किस तरीके से कराया था? जैसे यही जो हम लोग काम करते उसके बारे में पूछा था, हम लोग बताए थे, फिर वो सैलरी लगाया था, हमने बताया, फिर इनको फोन किया। सैलरी कितना लगाया था? 1500 मेरा लगाया था वहाँ का। हाँ बेसिक 1500 दरहम। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने बताया कि अच्छा सैलरी दे रहा है, तो ये भी आए, ये भी मारे, फिर और ज्यादा लोग ऐसे बढ़ते गए। जी सर, हम लोग कितने कंपनी का टोटल इंटरव्यू कराया था? 3 कंपनी का करा चुका है, तीन कंपनी का वीजा दे चुका है और टिकट भी दे चुका है। तो हम जो है प्रशासन के बाद भी चलते हैं, जो जिले के कप्तान है उनसे भी आपकी बात कराते हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। अभी हम मौजूद हैं सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर शहर में, और तकरीबन सैकड़ों लोगों के साथ विदेश भेजने के नाम पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जब पुलिस टीम जांच करेगी तब जाके तह तक पहुंच सकती है कि आखिर यह मामला करोड़ों में है कि लाखों में है। आइए पूरी जानकारी इन लोगों से जानना चाहते हैं, क्या हुआ है आपके साथ? सर ऐसा है कि जब मैं पासपोर्ट बनाने गया था तो इसने अपना कागज और पेपर दिया बैलेट छाप करके। अच्छा। और उस पर वैकेंसी डाला था। हाँ। और बार बार हमको फोन करता था कि आ जाओ वैकेंसी है, वैकेंसी है। तो हमने उसके पास गया वैकेंसी के लिए। हाँ। 2-3 आदमी हम लोग आए साथ में। हाँ। सब लोगों ने लगाया, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी कंपनी का ऑफर बताया, तो हमारे कुछ खास रिश्तेदार जो थे वो लोग भी मेरे साथ आए, 6-7 लोग। फिर दूसरी तीसरी फर्जीवाड़ा का कैसे मालूम चला आपको? फर्जीवाड़ा का इसलिए मालूम पड़ा, कब मालूम पड़ा, जब ये टिकट देने के लिए हम लोग को बुलाया और बोला पैसा सब जमा कर दो, तो हम लोग आए पैसा जमा किए। हाँ। और उसके बाद ये रात में 8 बजे के बाद फोन बंद कर दिया। टिकट दे दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं, कुछ दिया था कुछ नहीं दिया था। तो इन लोगों का जो है देखिए, ये ऑफिस था जो कि मोहद्दीपुर में और बहुत ही वीआईपी एरिया का ये ओडिशन मॉल है, जो कि इधर शटर अभी बंद है, वो बंद करके जा चुके हैं यहाँ से। हमारे साथ सर 17 आदमी है टोटल, 17 आदमी है। हाँ। और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाले थे, हमारे लिए मुसीबत अब बन गया। तो क्या आपको भी कुछ लालच था, क्या दिए थे क्या? लालच हमको दे रहा था, बोला कि 5,000 आप ले लेना, 50,000 सबसे वसूल लो। हाँ। और 5,000 ले लेना। तो उस लालच में आप पड़ गए? हम पड़ गए थे।
तो कैसे देंगे जो आपके हमारे जो विश्वास पे आया है, अब उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। तो लोग 17 लोग यहाँ पे हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं है बेचारे, उन सबों को पता नहीं है। अभी कोई चीज मालूम को नहीं मालूम है। तो देखा जाए तो बहुत मड़ी मोटी रकम होती है, तो आपका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। हाँ सर, वो तो प्रॉब्लम आएगा हमारे लिए बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेलघाट थाना के हैं, बहादुरपुर मेरा घर है। गोरखपुर में? जी जी, गोरखपुर में। तो आइए दूसरे लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, आप कैसे इसके बारे में जाने? सर हमारे एक मित्र है नन्हे, नन्हे जी आइए, नन्हे जी आइए। इनसे हम कांटेक्ट किए, इन्होंने ऑफिस के बारे में बताया और हम उसके नंबर पे कॉल किए। कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ आपकी वैकेंसी है। नन्हे जी कैसे उसको जानते थे आप? सर हम आए थे गोरखपुर, तो गोरखपुर में वो ऑटो से प्रचार कर रहे थे, टेम्पू से प्रचार हो रहा था, प्रचार हो रहा था विदेश भेजने का, भेजने का। तो हमने उस नंबर को एक पर्चा उठाया और उस पर कॉन्टेक्ट किया और बताया इस डेट को वो रॉयल एनफील्ड वाला जो बुलेट एजेंसी है वहाँ पे वैकेंसी है। तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ एक क्लाइंट आए थे, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू हुआ था सर? इंटरव्यू किस तरीके से कराया था? जैसे यही जो हम लोग काम करते उसके बारे में पूछा था, हम लोग बताए थे, फिर वो सैलरी लगाया था, हमने बताया, फिर इनको फोन किया। सैलरी कितना लगाया था? 1500 मेरा लगाया था वहाँ का। हाँ बेसिक 1500 दरहम। अच्छा, और उसके बाद फिर हमने बताया कि अच्छा सैलरी दे रहा है, तो ये भी आए, ये भी मारे, फिर और ज्यादा लोग ऐसे बढ़ते गए। जी सर, हम लोग का एसके इंजीनियरिंग है, अभी संग वाले हैं और एक अलमसूद कोई कंपनी है। कितने कंपनियों का टोटल इंटरव्यू कराया? तीन कंपनी का करा चुका है, तीन कंपनी का वीजा दे चुका है और टिकट भी दे चुका है। हाँ करीब इनका पहला फ्लाइट हमारा ही था 18 को। तो हम लोग कल रात को बोले हमको कि आप 10:30 बजे आपका ट्रेन है और आप 8 बजे तक वहाँ आ जाइए। हम लोग पूरे रात सर जगह उनका इंतजार किए, फोन किए, फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर रात को हम लोग यहाँ भी आए तो यहाँ ये बंद था सब। तो अब रात से ही हम लोग फोन कर रहे हैं, परेशान हैं, सुबह भूखे हैं और घूम रहे हैं। आप कैसे यहाँ तक आए? आपका घर कहाँ पड़ेगा? मेरा घर तमकुई रोड है। अच्छा, मम्मी इन्हीं के माध्यम से आए थे। अच्छा, माने एक लोगों को जानकारी, तो आपको भी कुछ ऑफर उसने दिया था? नहीं नहीं, मेरा ऑफर वाला कुछ नहीं है, मैं नंबर डायरेक्ट दिया, हम लोग साथ में काम किए। अच्छा, हम लोग दुबई रहे भी हैं, दुबई का वीजा भी पा गए। और समझ नहीं, पहले से हम लोग थे दुबई में 2017 से हम लोग दुबई के रिटर्न है। एक बात समझ में नहीं आता, नया आदमी धोखा खा जाए समझ में आता, आप लोग तो रिटर्न है, कैसे इसके सही है ना? वीजा भी करेक्ट है, टिकट भी करेक्ट है, तो आदमी कैसे समझेगा कि गलत हो रहा है? टिकट करेक्ट है तो भेज क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ये सारे लोगों का वीजा है जो कि स्क्रीन पे आ रहा है इसका दिया हुआ, और अपना भी वीजा एक बार दिखा दीजिए। तो आज आगे आके दिखाइए, देखिए इनका भी वीजा है, कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाएं, इनका वीजा है। तो दुबई में तो इम्प्लॉयमेंट वीजा सारा चीजें जेन्युइन काम होते हैं, लेकिन आप लोगों को सारा चीज दे के, ये सब चीज सही है। हाँ ये सब चीज सही है। कल हमने आया था यहाँ पे, पैसा भी दिया है। हाँ। और मेरे को ये बोला कि नेट, ये देखिए मेरा वीजा है, स्लो है, स्टोर कीपर में लगाया टिकट हम ऑनलाइन। आप एज ए स्टोर कीपर में जा रहे थे, कितना आपका सैलरी था? हमारा 2500 सैलरी लगाया था, 2500 इंडिया का 50,000। हाँ, और ये वीजा भी ओरिजिनल है। आपका कितना सैलरी लगा था? 2000 सर, 2000 बेसिक सैलरी। अच्छा, स्टोर कीपर के लिए। जिनकी दुबई में कंपनी भी है उनके बारे में बातचीत करा सकते हैं। आपका ये कहना है कि वीजा भी ओके है और टिकट भी ओके है, इसके बावजूद ये फर्जीवाड़ा कैसे हो सका? आइए सर, तो अभी तो इनको सब कुछ ओरिजिनल दे रहा है, इसमें क्या होता, होता क्या है इसमें? कि इन लोगों के नजर में ये ओरिजिनल है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं जो ये लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग देख के जान रहे हैं कि ये वीजा सही नहीं है। लेकिन बहुत सी चीजें आप नहीं जान रहे हैं, आप इंटरनेट पर ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन कई प्रकार के वीजा होते हैं जो ऑनलाइन तो दिखेगा ही, तो ये कहानी कुछ और है, इसके लिए हम विस्तार से आपको बताएंगे। इनसे बात कर रहे हैं, बताना चाहेंगे, कंपनी है दुबई में जिसके ओनर है, तो आप इनसे जानेंगे? नहीं सर, जानेंगे नहीं, लेकिन एक बार बताइए ताकि मैं सबको बताता हूँ। ये चीज पूरी तरह से जानिए, पूरी तरह से ध्यान से सुनिए आप लोग। ये सीक्वेंस जो 87 का होता है, 87 सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस है 87 नंबर, ये एक महीने का विजिट वीजा होता है। वो एक महीने का विजिट वीजा आता है, लगभग 6,000-6,500 का विजिट वीजा आता है। तो ये वीजा लगा आपको, विजिट को हटा के एम्प्लॉयमेंट कर दिया और यहाँ पे नाम हटा के उसने ये डाल दिया। आप किसी भी कंपनी में चेक करें, कहीं भी ऑनलाइन चेक करेंगे, आपको वीजा एक्टिव दिखेगा। हाँ। क्योंकि वीजा तो विजिट का भी 2 महीने के लिए एक्टिव होता है उसमें, और एम्प्लॉयमेंट का भी 2 महीने के लिए शुरुआत में आता है, एक्टिव होता है। तो ये सिर्फ एक जानकार आदमी जानेंगे जो इस काम में जो कर रहे हैं। आप लोग
पूरी तरह से नहीं जान पाते, इसीलिए ये लोग फंस जाते हैं। और टिकट का क्या कहानी है सर? टिकट का भी कहानी मैं बता रहा हूँ। टिकट का क्या होता है, टिकट आप बुक कर देते हैं तो ये ऑनलाइन शो तो करेगा, और बुक किया आपने पेमेंट फिर वापस रिफंड ले लिया, कैंसिल कर। रेलवे का टिकट होता है कि हम रेलवे का टिकट आपको काट के दिए और जब दे दिए पैसा मिल गया तो पीठ पीछे आपके कैंसिल कर दिए, हमारे खाते से पैसा कटा था और वही पैसा हमारे खाता में वापिस आ गया। तभी भी लगता है क्या इनकी जानकारी के बाद भी कि आपका जो भी पेपर है सही है? नहीं सर, अभी इतना जानकारी हमको नहीं है, जितना हमारी जानकारी थी हमने पता किया था। आप लोगों ने सारे लोगों ने कितना कितना पैसा दिया है? 50,000 दिया। अगर कि अगर आप इस व्यक्ति का पता लगा सकते हैं तो पूरा कोशिश करिए लगाने के लिए, आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और आपको ये लोग इनाम भी देंगे। मोबाइल नंबर है, सबसे बात करके और जो है सारी जानकारी ले लीजिए। ट्विटर में जा रहे थे हम दुबई में। अच्छा। और हमारा टिकट भी दिया था 19 तारीख को, आज जाने का था यहाँ से बम्बई, बोला था कि हम लोग साथ ही में जाएंगे। अच्छा। और आज कैंसिल कर दिया और रात से फोन ही नहीं उठा रहा है किसी का। और आपने कितना पैसा दिया था? हमने उसको 50,000 रुपये दिया था। और तो हम जो है प्रशासन के बाद भी चलते हैं, जो जिले के कप्तान हैं उनसे भी आपकी बात कराते हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। एसी में आपने कितना पैसा दिया है? मैं 45,000 दिया था, 1,800 रुपये टिकट का दिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संख्या है जिसका अनुमान लगाना शायद जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे अभी आए नहीं, अपने घरों में हैं। न्यूज के माध्यम से पता चलेगा तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी जो है इस मामले को लेके हम पुलिस अधीक्षक कहा जाए तो कप्तान गोरखपुर के पास आए थे, तो उन्होंने बताया है कि इस मामले का हम विधिवत जांच करा के जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे हम, और जो भी सारी जानकारी आएगी वो आपके मीडिया के माध्यम से जो है उसको उजागर भी किया जाएगा ताकि लोग जागरूक रहे। पहले मामले की जांच हो जाने दीजिए, तो जैसा ही मामले की जांच हो जाता है हमारे SSP साहब जो भी कहते हैं उसका भी आपको दिखाया जाएगा।